नमस्कार, इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष चौहान। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी की पूड़ी। बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने एक कप सूजी ली है। इसके लिए आप बारीक सूजी लीजिएगा। अगर मोटी सूजी है तो उसे एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा, वो बारीक हो जाएगी। अब इसको हम सूजी को दूध में भिगोकर रख देंगे। 15 मिनट के लिए हमने रखना है, तब तक हमारी सूजी फूल जाएगी और अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। अब दूध हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसको हम ढक करके 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि अच्छी तरह से फूल जाए और सेट हो जाए। सूजी हमारी फूल चुकी है, अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसको हम मसल लेते हैं। सूजी को भिगोकर रखना बहुत जरूरी है, तभी आप इसका डो तैयार कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगे कि सूजी ज्यादा हाथों में चिपक रही है तो आप हल्का सा इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑयल या घी। अब डो हमारा तैयार है, इसकी हम पूड़ी बेलेंगे। तो यहाँ पे मैं बेलन को ग्रीस कर रही हूँ और ग्रीस करके मैं इसमें पूड़ी बेलूंगी। आप चाहें तो आटे की मदद से भी पूड़ी बेल सकते हैं, आटा लगा के भी पूड़ी बेल सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीस करके बेल रही हूँ। अगर ऑयल से नहीं बेलती है आपसे तो आप आटा लगा के बेलिए, इजीली बेल जाएगी। अगर आप दूध की जगह इसको दही से गूंथते हैं और थोड़ा सा मोन डालते हैं और थोड़ा सा बेकिंग सोडा, तो इसमें बिल्कुल भटूरे जैसा टेस्ट आएगा। तो पूड़ी हमारी बिल गई है। इसी तरह से सभी पूड़ियां बेल लेंगे और इसमें आपकी कम से कम एक कप में 10-15 पूड़ी तैयार होंगी। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, अच्छा तेल गर्म चाहिए हमें इसमें। पूड़ी को हम इंतजार करेंगे कि ये फूल के ऊपर आए। जब ये ऊपर आने लगेगी तब हम इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये पूड़ी अच्छी तरह से फूल जाएगी। तेल हमें इसके लिए अच्छा गर्म ही चाहिए। तो इसी तरह से हम अपनी बाकी पूड़ियां भी निकालेंगे और वही प्रोसेस रहेगा कि पहले पूड़ी को थोड़ा ऊपर आने दें, उसके बाद उसको प्रेस करें तो पूड़ी पूरी तरह से चारों तरफ से फूल जाएगी और बिल्कुल व्हाइट बनती है। कलर बहुत ही प्यारा आता है इसमें। आटे की पूड़ी हल्की सी लाल होती है, लाल लाल आता है उसमें कलर, और ये बिल्कुल व्हाइट बनती है। तो सूजी की पूड़ी हमारी बनके तैयार है। आप इसे ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कैसी बनी। और भटूरे का टेस्ट लेना हो तो आप दही के साथ गूंदिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा।